यूनिवर्सिटी का जो भी मैसेज है वो क्लैरिटी से सब जम्मूवासियों तक पहुंचाएंगे. एंड विद दिस आई थिंक आई डिक्लेयर द कॉन्फ्रेंस ओपन एंड आई हैंड ओवर द प्रोसीडिंग्स टू डॉक्टर विनय चुसु. थैंक यू. अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के जो हमारी फाउंडेशन डे है उसके सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में बैठे हैं और तहे दिल से हम आपका वेलकम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी में जिस तरह से आपने अपने अपने जो न्यूज़पेपर्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने जिस तरह से जम्मू यूनिवर्सिटी को हमेशा प्रोत्साहन दिया है, सो हम अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले समय में भी और कल की जो हमारा जो कार्यक्रम है जिसमें हमारे एलजी साहब चीफ गेस्ट हैं और ये कोशिश की जा रही है कि ये फाउंडेशन डे का जो एक सेलिब्रेशन है जो कि पिछले साल से प्रोफेसर उमेश राय जब से वाइस चांसलर बने उन्होंने ये शुरुआत की, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद और मुबारकबाद दोनों देना चाहती हूँ क्योंकि ये वो अवसर होते हैं जिसमें हम अपनी संस्थाओं का बखान कर सकते हैं. जम्मू यूनिवर्सिटी जैसे आप सब लोग जानते हैं 1969 में स्थापित हुई थी और चलते चलते कई तरह की ऊंचाइयों को छूते हुए कई अप्स एंड डाउन्स भी देखते हुए हमारे जो सहयोगी फैकल्टी हैं या एम्प्लॉयज़ हैं जिसमें अफसर नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ हमारे स्टूडेंट्स इन्होंने बहुत योगदान दिया है क्योंकि जो जो भी संस्थाएं उठ पाती हैं और जिस तरह से जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपने आप को एक एक मयार पे लाया है एक मुकाम हासिल किया है तो ये वर्षों की तपस्या है जिसका श्रेय उन सब लोगों को जाता है जो इनके साथ जुड़े हैं हर तरीके कामयाब रूप ले रहा है और उसके लिए हम जम्मू यूनिवर्सिटी में बहुत फख्र महसूस करते हैं. बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने पहली बार जो कि यूनिवर्सिटी में हो रहा है एग्जीक्यूटिव MBA भी लॉन्च किया है जो एक ब्लेंडेड मोड में चलेगा. ये एक और उपलब्धि है क्योंकि जब से हमारी यूनिवर्सिटी बनी है ये पहली बार एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम लॉन्च हुआ. जिस तन्मयता के साथ अभूतपूर्व सहयोग मुझे प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जम्मू विश्वविद्यालय के लिए मिलता है, मैं उसके लिए पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और मैं उम्मीद जताता हूं कि आपका यह सहयोग भविष्य में भी कायम रहेगा. जैसा कि रजिस्ट्रार साहब ने हमारे बताया कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस है और उस दिन गवर्नर साहब के सिग्नेचर से 5 सितंबर 1900 हेरिटेज हैं जो हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं उनको हमारे हिस्ट्री के ज्योग्राफी के बच्चे टूरिज्म के बच्चे मिल करके हम लोगों तक पहुंचेंगे. उसी तरह से हमारा जो हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो ट्रेनिंग दे सकता है हमारे गांव में तो होम स्टे को लेकर के किस तरह से हम आगे बढ़ें. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा चाहे वो इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट है चाहे वो अर्थ साइंस डिपार्टमेंट है एनिमल साइंस है बॉटनिस्ट है हर विभाग इसमें अपनी भूमिका अदा कर सकता है इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से और हम अपने जम्मू रीजन को जितना हाईलाइट कर सकते हैं वर्ल्ड मैप पर उतना हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे. मुझे लगता है कि यह 2007 से प्रयास चल रहा था यह प्रयास सफल हुआ और इसके लिए मैं विनय तुसु जी को और जो कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मोनिका हैं हमारे स्पेशल सेक्रेटरी वाइस चांसलर ऑफिस नीरज शर्मा इन तीन लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. साथ में गरिमा ने काम किया है श्याम जी ने काम किया है. मुझे लगता है कि ये जो रेडियो स्टेशन है ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है. दूसरी बात हमारे डायरेक्टर DDNOE ने एक जिक्र किया डिजाइन योर डिग्री जिसको लेकर के आप 6 महीने से चर्चा सुन रहे हैं. एक बहुत अच्छी खबर है लेकिन वो चूंकि खबर श्रीनगर में एक मीटिंग की है और मैं अथराइज नहीं हूँ उस मीटिंग के खबर को शेयर करने के लिए लेकिन उम्मीद करता हूँ कि डिजाइन योर डिग्री यह सिर्फ जम्मू विश्वविद्यालय एक रोल मॉडल के रूप में होगा और आने वाले समय में यह हिंदुस्तान की अन्य यूनिवर्सिटियों में भी लागू किया जाएगा. ऐसे हमारे
जो सरकारें हैं उनके चाहे राष्ट्रीय लेवल पर या प्रदेश लेवल पर ऐसी उनकी सोच बनती है। थोड़ा और ध्यान रखेंगे तो उसके डिटेल्स आपको जो है 15 दिन या 20 दिन बाद मिल जाएंगे। डिजाइन योर डिग्री में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और इसके लिए जो सपोर्ट चाहिए वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट हमको मिल रहा है, चाहे वो डिजाइन योर डिग्री के लिए हो या इंजीनियरिंग किचन के लिए हो या अन्य कोई हमारा जो प्रोग्राम है। और मोर देन 29 प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन सैंक्शनड बाय द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट टू द यूनिवर्सिटी वो अनप्रेसिडेंटेड है। और उसके अलावा जैसा कि मैडम ने बताया कि कॉलेज ऑन व्हील्स, तो जम्मू कश्मीर ज्ञानोदय एक्सप्रेस इसको नवंबर में ले जाने की का प्रयास चल रहा है, IRCTC के साथ बातचीत चल रही है और इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और क्लस्टर इनोवेशन सेंटर दिल्ली की बच्चियां होंगी। तो 700 से 800 बच्चियां इस ट्रेन के माध्यम से जाएंगी और ये ट्रिप यहां से दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद, अहमदाबाद से बॉम्बे, बॉम्बे से गोवा, गोवा से बंगलोर, बंगलोर से वर्धा और वापस दिल्ली होते हुए जम्मू आएगा। तो ये कॉलेज ऑन व्हील्स 6 से 8 बच्चियों के बीच में एक लैपटॉप दिया जाएगा, प्रोजेक्ट मोड में होगा, वो ट्रांसडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट सबमिट करेंगी ये बच्चियां, उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। तो मैं आपके माध्यम से अपने बच्चियों से जो कॉलेजेस में हैं, जो यूनिवर्सिटी में हैं, उनसे एक संदेश देना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो अपने प्रोजेक्ट्स को सबमिट करें ग्रुप में ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। और ये किस लिए, तो अगर भारत को समझना है, भारत की आत्मा को समझना है तो आप भारत को दर्शन करना पड़ेगा और भारत दर्शन ट्रेन से बढ़िया और कोई माध्यम नहीं हो सकता है। गांधी ने अगर भारत को समझा तो ट्रेन यात्रा से समझा और उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को केंद्र में रखते हुए यह कॉलेज ऑन व्हील्स की कल्पना की गई है। इसमें एक कोच जिस तरह से फाउंडेशन बनाया जा रहा है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या कैसा एक कार्यक्रम को अगर ले तो पहला कार्यक्रम हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आएंगे और जो हमारा FM रेडियो स्टेशन है 91.2 ध्वनि JU इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के लिए हम लोग पहुँचेंगे। वहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे कि एक जो है कल्चरल प्रोग्राम होगा, साथ में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एक रिपोर्ट कार्ड अपने पेश करेंगे। इन मुख्य रूप से हम अपने स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। ये पिछले साल से शुरू किया गया है और उसका जैसा हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपने इंस्टीट्यूशन पर हमको गर्व महसूस होना चाहिए और एक मौका होता है जिससे कि आप बता सकें लोगों को कि हम अपने विश्वविद्यालय में पिछले एक वर्ष में क्या किए हैं। तो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू अपना एक रिपोर्ट कार्ड भी कल प्रस्तुत करेगा। जिस भी यूनिवर्सिटी के आप कल्पना कर सकते हैं अपने JNK के वो सारे लोग आ रहे हैं, मैं गिना देता हूं आपको। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, उसके वाइस चांसलर आप, यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर उसकी वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान वो भी आ रही हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके वाइस चांसलर आ रहे हैं, देन क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर उसके वाइस चांसलर आ रहे हैं, बाबा गुलाम शाह, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, डायरेक्टर IIT, डायरेक्टर IIM, डायरेक्टर एम्स, तो ये सभी लोगों ने अपना कंसेंट दे दिया है। वो सभी लोग हमारे स्थापना दिवस की शोभा को बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे।